ओम शांति। आज 20 जून 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल, एक बाप को याद करो, क्योंकि अब ये सब खत्म होने वाला है। सबको भूलो, बाबा कहता है, क्योंकि सब खत्म ही होना, जब खत्म होना है, रहना ही नहीं है, तो उससे याद क्या करना है। प्रश्न है, सत्युग में राजपद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा, सत्युग में राजपद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरा, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। रोना प्रूफ, किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने शुरू में कहा देह की, देह सहित सारी चीज़ों को भूलो क्योंकि ये सब खत्म होने वाला। अभी बाबा कहते हैं कि तुमको अगर राजा बनना है तो खुद पर अटेंशन दो। राजा तो आपने बनना है ना, तो अटेंशन आपको अपने ऊपर खुद देना पड़ेगा। दूसरा थोड़ी आपको राजा बनाने, वो तो नहीं है, ये राजा बनाने का स्कूल नहीं, राजा बनने का स्कूल है। तो बाबा कहता है कि इसमें कई कमजोरियाँ होती हैं बच्चों के अंदर, जिसमें एक है पानी का पतासा। वो क्या होता है, ये दादियाँ कहा करती थी, कोई बात छोटी सी होगी तो आंसू, पानी का पतासा, आंखों से आंसू, माँ की चिट्ठी नहीं आई, आंसू, किसी ने कुछ कह दिया, आंसू, कहीं पर ठीक से सफलता नहीं मिली, आंसू। तो ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। मिला है बाबा जो राजा बना रहा है और राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। बाबा तो साफ कहता है, रोता है तो विधवाएं हैं, उनको बाबा याद ही नहीं है। फिर बाबा ने इशारा दिया कि अगर कोई शरीर छोड़ देता है तो शौक लगता है, शौक लगता है तो यानी ममत्व है, देहधारी से मोह है। इतना ममत्व मोह पैदा क्यों किया, एक जन्म की बात है, इतना पैदा क्यों किया? जब छूटती है चीज तो दुख होता है। और बाबा ने ये भी कहा कि किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर अपना भी शरीर छूटा, याद में देहधारी की पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वो है परमात्मा, ये है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, ये भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहें आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। बाबा ने ये बाबा स्पष्ट करते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं शांति होती शांति धाम में। जब आत्मा शरीर के अंदर है तो वो शांति नहीं हो सकती है, वो चुरपुर रहती है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है। आत्मा ने, बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है। वो तो है निराकार,
उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। देखिए, बाबा ने शुरू में कहा कि जहाँ जाना है, अपने घर जाना है, तो घर की चीजों को याद करना है। निराकारी अशरीरी विदेही स्वरूप में रहना है, और यहाँ पर अगर रहना है तो स्वरूप दूसरा है। देहधारी को याद किया हर्जा नहीं, वस्तुओं को याद किया हर्जा नहीं, लेकिन यहाँ रहना ही नहीं है ना। इससे उससे नाता तोड़ना और वहाँ से जोड़ना, जितना जुड़ेगा वह टूटेगा। तुम जानते हो हमें शिव बाबा के बच्चे, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं माँ मेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। ये ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब ये शरीर जर्जरी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सत्युग में कोई भी रोग नहीं था। देखिए, जब हम सत्युग में होते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, निर्विकारी होते हैं और एकदम शुद्ध होते हैं। कोई भी हमने गलत काम शरीर के द्वारा नहीं किया हुआ होता तो शरीर निरोगी रहता है। परंतु जब द्वापर युग आता है तो हम सारे उल्टे काम शरीर के द्वारा ही तो करते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा सारे उल्टे काम करती है, इसलिए शरीर जो है वो रोगग्रस्त होता है। शरीर रोगग्रस्त होता है तो और चीज़ें भी साथ साथ आती हैं, दुख आता है। बाबा ने कहा कि ये कोई को पता नहीं है कि ये प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामेकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं, मामेकम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। देखिए, माम एकम याद करना है और देह से बुद्धि योग हटाना है, तो माम एकम में एकाग्रता चाहिए। तो बाबा ने कहा कि फिर तुमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। फिर बाबा ने कहा कि अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बच्चे में निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है, ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बनता हूँ। ये बाबा अपना बताते हैं कि द्वापर युग से मेरी कारोबार, मेरा कार्य चालू हो जाता है और जाकी रही भावना, जैसी जिसकी जैसी भावना रहती है उस अनुसार मैं उसको भावना का भाड़ा देता हूँ, तो उनको साक्षात्कार आदि कराता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे, उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कांग्रेस का झंडा है उसमें चरखा है और चक्र है, दोनों ही पेट पूजा के निमित्त है। फिर बाप एक जन्म के लिए और वो जो है सदा काल के लिए। बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से कामचिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से
21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं, रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाइयाँ देंगे, धूमधाम से मनाएंगे, कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है, भारत अविनाशी खंड है। फिर बाबा देखिए, बाबा ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ तो खुश और मर गया तो रोता, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, तो कलयुग की दुनिया में दुख के ही पहाड़ है। थोड़ी प्राप्ति होती है वो छिन जाती है तो उससे दुख होता है। बाबा ने कहा, याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। ये होता है आत्माओं का रुहाब, जो बहुत अच्छी तपस्वी आत्माएं होती हैं, शरीर छोड़ती तो एकदम साइलेंस हो जाती है, पता लगता है जैसे किसी ने शरीर छोड़ा। बाप समझाते हैं, आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वो भी कभी विनाश नहीं होता, इम्पेरिशेबल ड्रामा है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सत्युग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुमको कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है, हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है, ये भी बुद्धि में बिठाया जाता है। बाबा की टोटल हम बच्चों प्रति यही रिक्वेस्ट होती है, पढ़ाता भी इसी लक्ष्य से कि भाई तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना और कोई को नहीं। बाबा ने कहा जाकर हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाते हैं, मेहनत चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, निर्माता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। निर्माणता बहुत बड़ा गुण है, निर्माणता से आप सहयोग एलिसिट कर सकते हैं, निर्माणता से आप किसी को अपना बना सकते हैं, आपको मदद मिल सकती है, इसलिए बाबा निर्माणता को महत्व दे। और स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप मैसेज करें या मैसेज करें 8826599309 पर, और हमारे पास जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।